जनपद मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर स्थित लोकवाणी सभागार में उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष बिमला बाथम ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के दौरान SP क्राइम प्रशांत कुमार, CO और मंडी हिमांशु गौरव, जिला महिला सेल के नोडल अधिकारी नेहा शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुस्तफीन व महिला थाना SI संगीता सहित आदि संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद मुजफ्फरनगर की समस्याओं पर समीक्षा बैठक की गई। मुजफ्फरनगर आए हैं, किस तरह की आज कार्य प्रणाली रही, कहाँ का दौरे हुए, कैसे? देखिए, आज हमारा दौरा था मुजफ्फरनगर में आयोग की तरफ से जी, और सबसे पहले हमने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहाँ जो समस्याएं थी शहर की, गांव की, वो सब सुलझी। वहीं पर हमारे जो पीड़िताएँ थी वो आ गईं, उन्होंने भी अपनी समस्या बताई, कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि योगी जी बहुत इस मामले में सख्त हैं कि महिलाओं के साथ कोई अन्याय ना हो जाए। तो यही मैसेज जो है आज हमने सबको दिया है कि महिलाओं का कल्याण हो, महिलाएं सुरक्षित रहें, महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाओं का सम्मान हो, इस बात को लेकर हमने आज वार्ता की, सबको आदेश भी दिए कि महिलाओं के साथ कोई जाति ना हो। साइकिल वितरण भी किया गया आज, वो यहाँ किया अभी, ये तो हुई समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में, ये अभी साइकिल वितरण किया, यहाँ लैपटॉप वितरण हुआ है, यहाँ वो टैबलेट वितरण हुई है, सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जो एक को 55,000 का दिया गया है, एक को 20,000 का शादी अनुदान में, कुछ को पेंशन की लाभ दिए गए हैं, वो दिव्यांग को और विधवा को और वृद्ध को, तो काफ़ी सारे यहाँ पर अभी हुआ है। मैम, अभी कुछ लोग आपसे सुनवाई कर रही थी महिला, कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या मैम? नहीं, वो लेट आई सुनवाई, तो मैं समाई उनकी सबकी समस्या हल हुई, ये लेट आई थी, ये पता नहीं कैसे लेट हो गई। फिर भी हमने उसको जो महिला थाने के जो प्रभारी हैं उनको हमने उनका मसला क्या दिया है। अपील करना चाहती है आप जनता से महिला सुरक्षा को लेकर? जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि जो मिशन शक्ति का अभियान है उसके अंतर्गत महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिला स्वावलंबन, ये तीन बातों पर फोकस है। ये तीन बातों को लेकर एक एक जन आगे बढ़े, तभी देखिए ऐसा खाली सरकारी बात से महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, महिलाओं को खुद भी इस ओर बढ़ना पड़ेगा, समाज को बढ़ना पड़ेगा, और फिर सरकार भी बढ़ेगी, तब जाके ये सुरक्षित माहौल बन पाएगा। हालांकि अब बहुत सुरक्षित माहौल है, बहुत ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं, अब देखते हैं कि अब कोई बलात्कार, अब कोई चेन स्नैचिंग नहीं हो रही है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, एंटी डोमियो स्क्वाड बन गया है, सब बन गया है, दोबारा एक्टिव भी हो गया है, तो योगी जी अपना पूरा काम कर रहे हैं, पूरे फॉर्म